हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू निधि एकेडमी अकेडमी मैं हूं राहुल शर्मा फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ केस स्टडी जो आपका एथिक्स पेपर फोर का पार्ट है वो डील कर रहा हूं और फ्रेंड्स आज हम एथिक्स ये जो केस स्टडी है आज हम केस स्टडी सेवन डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जो ओवर बेसिक ओवरव्यू है वो फ्रेंड्स ये है ये हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व होगा और ब्लैक मनी इन्वॉल्व होगी और नेक्सिस होगा बिटवीन पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स बिजनेसमैन और इसके अलावा होगा फ्रेंड्स ये जो हमारा पेड न्यूज का जो इशू चल रहा है वो हम कैसे टैकल कर सकते हैं तो ये बेसिकली हमारा करंट से रिलेटेड ही केस स्टडी होगा और इसमें हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको कुछ एक पॉलिटिकल एक्ट्स के रिगार्डिंग होंगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जैसे लगा लीजिए और आर टी एक्ट हो गया तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हम इस केस स्टडी में आज डिस्कस करेंगे ज़्यादा नहीं बट फिर भी जनरल जर, ओवरव्यू हम जरूर डिस्कस करेंगे उसके बारे में और जो ट्रांसपेरेंसी का इशू चल रहा है चाहे आप इलेक्शंस लगा लीजिए चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन लगा लीजिए तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आज कवर हो जाएंगी ठीक है फ्रेंड्स तो फिर चलिए आज हम शुरू करते हैं के स्टडी सेवन तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ दी गई है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन ऑब्जर्वर बाय द इलेक्शन कमीशन विद अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग द इलेक्टोरल एक्सपेंसिस ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज ठीक है फ्रेंड्स तो फिर इसमें हमने मोनीटर करने हैं इलेक्टोरल एक्सपेंसिस ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज और आ, next, you start closely monitoring their practices and observe that there is lack of transparency in their disclosure of sources of funds. lack of transparency in their disclosure of sources of funds. they also resort to paid news. you have also received lots of complaints about their malpractices. but you don't have solid evidence to prove them. यू prepare आ रिपोर्ट एंड सेंड टू द इलेक्शन कमीशन विच हैज़ mentioned. ठीक है फ्रेंड्स आप को एज ए ऑब्जर्वर इलेक्शन ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है और इलेक्शन कमीशन के पास फ्रेंड्स पावर होती है कि वो किसी भी सिविल सर्वेंट इसमें आई एस आई पी एस जरूरी नहीं है वही आएंगे कोई भी हो सकता है इवन कि कोई स्टेट uh, लेवल का भी पर्सन हो सकता है चाहे कोई एक्सिन हुआ चाहे एस हुआ या फिर कोई भी इवन के टीचर भी हो सकते हैं प्रिंसिपल भी हो सकता है किसी स्कूल का तो इलेक्शन कमीशन उसको इलेक्शन ऑब्जर्वर अपॉइंट कर देता है और फिर उसके पास कुछ एक पावर्स हो जाती हैं कि आपने इलेक्शन को मॉनिटर करना है आप वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसिस में आप जाओगे और वहाँ पर जाके देखोगे कि जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए तो ये आपका काम होगा एज ए इलेक्शन ऑब्जर्वर तो आपने क्या करना है आपने मॉनिटर करना है इलेक्ट्रल एक्सपेंसिस ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज और उसके बाद आपने आपको कुछ सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने फंड्स को डिस्क्लोज कर रही हैं उसमें और जो लिखा हुआ उसमें जो करनी और कथनी में उनका डिफरेंस है तो आपने एक रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजी है और उसमें क्या चीज़ मेंशन की है आपने ये जो फॉलोइंग फोर पॉइंट्स हैं ये आपने मेंशन किए हैं और आप जो ए पॉइंट है वो आपने मेंशन किया है कि नेक्सिस बिटवीन पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेसमैन उसके बाद नेक्सिस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया ये आपने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं और ये आपकी रिपोर्ट का बेस है लैक ऑफ एडिक्यूट लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंसी और डी है सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी ये चार चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं और इलेक्शन कमीशन को आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप हाउ यू कैन टैकल सच इशूज ठीक है फ्रेंड्स तो ये हम चार इशूज को हम अब डिस्कस करेंगे और हम वेज निकालेंगे हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं इसको हाँ जी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ हाउ वी कैन टैकल दिस और इसमें हम टैकल करने वाली दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स इसमें एक तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी के बारे में बात करूंगा और लैक ऑफ adequate लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंसी मीन्स मैं सी और डी जो आपने अपनी आ, रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस दी हैं मैं पहले उनको डिस्कस कर रहा हूँ और रहा जो ए और बी पार्ट है नेक्सिस बिटवीन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स वो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो फिर हाउ वी कैन टैकल दिस इश्यू मीन्स सी ऑर डी को कैसे टैकल कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप फुल प्रूफ मैकेनिज्म चाहिए इज नीडेड अलॉन्ग विद लॉज दैट कैन बी इम्पोज स्ट्रिक्टली आपने अगर हम बेसिक अगर बात की जाए तो इंडिया में जितने लॉज ऑन लॉज एंड रेगुलेशन हैं फ्रेंड्स वो दुनिया में कहीं नहीं है इतने ज़्यादा जो कंट्री में हमारी कंट्री में जो दिक्कत है वो ये जो बेसिक सिस्टम है या स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का उसमें है उसमें फ्रेंड्स ये है कि हम लॉज तो बना लेते हैं रेगुलेशन बना लेते हैं बट उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे हम ठीक है मेन क्या है हम उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो हमारी कंट्री की अभी करंट अभी क्या जो भी हमारी गवर्नेंस का इशू है वो इसी के ऊपर बेस्ड है अगर हम इन लॉज को इम्प्लीमेंट करवा पाएँ ग्राउंड लेवल पर रियलिटी में तो फ्रेंड्स जो भी हमारे इश्यूज हैं वो द... बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के और उसके बाद है फ्रेंड्स सोशल ऑडिट हैज़ टू बी देयर ठीक है सोशल ऑडिट में फ्रेंड्स ये रहेगा कि जो सोशल ऑडिट है बेसिकली अगर आपने इसका देखा हो तो आपको मालूम होगा कि मनरेगा में सोशल ऑडिटिंग होती है ठीक है जी और सोशल ऑडिटिंग में क्या करते हैं बस यही चीज़ होती है अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बोलूँ या फिर जस्ट पॉइंट्स बोलूँ सोशल ऑडिट में आपने करना क्या होता है वो है कि हम फॉर्मल रिव्यू करते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का मीन्स जैसे नरेगा में होता है आपको जो भी आपने फंड्स आपको मिले हैं और जो वर्क हो रहा है वो ग्राउंड लेवल पर हुआ या नहीं हुआ ये सोशल ऑडिटिंग होती है बेसिकली और ये मनरेगा इसकी बेस्ट एग्जांपल है और सोशल ऑडिटिंग में फ्रेंड्स हमने एक चीज़ देखनी होती है कि सोशल ऑडिटिंग हमेशा किसी न्यूट्रल पार्टी से करवानी चाहिए चाहे आप किसी एन जी ओ से करवा लो चाहे आप किसी न्यूट्रल uh, पर्सन से करवा लो न्यूट्रल पर्सन कोई भी हो सकता है कोई सी ए हो सकता है कोई लॉयर हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं ठीक है तो आपने ये चीज़ देखनी है सोशल ऑडिटिंग हमेशा किसी न्यूट्रल पर्सन से ही करवानी है और सोशल ऑडिटिंग का बेनिफिट ये रहता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उनके ऊपर एक तरह की तलवार लटकी रहती है और उनको ये लगता है कि यार अगर हम फंड्स को इधर उधर करेंगे तो सोशल ऑडिटिंग में वो पकड़े जाएंगे ठीक है और पकड़े जाएंगे तो उनके अगेंस्ट ऑब्वियस है uh, हर एक तरह की कार्रवाई हो सकती है तो सोशल ऑडिटिंग एज ए टूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के अगर आपने ट्रांसपेरेंसी का इशू लगाना है तो ठीक है जी तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल ऑडिटिंग चाहे ये किसी में भी हो सकती है आप गवर्नमेंट के एक्शंस में लगा लो आप प्राइवेट कंपनीज में लगा लो कहीं भी लगा लो सोशल ऑडिटिंग तो होनी हो एज ए कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो आगे चीज़ है फ्रेंड्स थर्ड uh, है इंडल्ज पर्सनस नीड टू बी एक्सपोज सो एज सो एज टू सेट अ प्रेसिडेंस दैट एक्शंस वुड बी टेकन अगेंस्ट दोज डूइंग सच मेल प्रैक्टिस बिल्कुल फ्रेंड्स जो इंडल्टसनस हैं ठीक है मीन्स चाहे जो गलत काम कर रहे हैं चाहे जो पेड न्यूज़ के लिए कर रहे हैं या फिर चाहे कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपकी ये ड्यूटी बन जाती है एज ए इलेक्शन ऑब्जर्वर कि आप उन पर्सनस को एक्सपोज करो एक्सपोज आप कैसे कर सकते हो जो आपके पास एफिडेविट्स आते हैं आप उनको ऑनलाइन कर दीजिए और उनमें और अगर उसकी जो ग्राउंड लेवल पर अगर वो काम कर रहा है जैसे एक्सपेंसेस uh, कर रहा है इलेक्शन के ड्यूरिंग uh, तो आप उनको कंपेयर कीजिए अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है तो आप रिपोर्ट कीजिए क्योंकि यही तो आपका काम है ठीक है ना तो इससे इससे हम क्या करेंगे इंडल्ज पर्सन जो होंगे उनको हम एक्सपोज कर पाएंगे और इससे एक तरह का प्रेजिडेंस सेट हो जाएगा ठीक है और फिर जो आगे वाले पर्सन होंगे वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे मीन्स उनके ऊपर डर रहेगा कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे किसी ना किसी तरीके से तो ये चीज़ होती है फ्रेंड्स इसलिए इसको बोला गया कि इंडलज पर्सन को आप एक्सपोज कीजिए ठीक है जी और इसके बाद है फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी टू बी ब्रॉड बाय मेकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी फंड और अमाउंट रिसीव्ड अवेलेबल ऑनलाइन इंक्लूडिंग द सोर्स हु मेड सच कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ नॉन कम्प्लाय आ बैन ऑफ पेनल्टी नीड टू बी एक्सरसाइज्ड ठीक है फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी का अगर मैं आपको बोलूँ तो ट्रांसपेरेंसी एज ए जस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है फ्रेंड्स मीन्स जो आप डिसीजन या पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी पर्सन ले रहा हैं चाहे कोई कंपनी ले रही है आपका सीनियर पर्सन ले रहा है ठीक है उनको हमने सिर्फ यही देखना है कि क्या वो एक फेयर एंड फ्री वे में लिए गए हैं ठीक है अगर लिए गए अगर फेयर एंड फ्री वे में लिए गए हैं वो डिसीजन या फिर जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं तो ये बेटर बात है ठीक है और अगर वो गलत तरीके से यानी कि फेयर एंड फ्री मीन्स के अगेंस्ट वो डिसीजन यूज हुए हैं पॉलिसीज बनी हैं तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए बेसिकली ट्रांसपेरेंसी का ये जस्ट एक लेमन लैंग्वेज में आपको ओवरव्यू दिया गया है और हाँ जी इसमें ये है फ्रेंड्स जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो भी फ़ंड वगैरह पॉलिटिकल पार्टी को मिलते हैं ठीक है तो उनमें से अब ये कर दिया गया कि मिनिमम आप टू थाउजेंड रुपीज़ ही कैश दे सकते हो राइट पहले ये लिमिट ट्वेंटी थाउजेंड थी कि आप ट्वेंटी थाउजेंड तक आप कैश दे सकते हो और इसके ऊपर अगर आप कैश दोगे तो आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी ये चीज़ रहती है बट अब ये टू थाउजेंड रुपीज़ कैश कर दिया गया और इसके अलावा अब इससे जितनी भी आपने अमाउंट ज़्यादा देनी है वो आपको थ्रू चेक दोगे ठीक है ये तरे, एक तरह का जो आपको फंड मिलता है पोलिटिकल पार्टीज को उसके रिगार्डिंग ये बात हुई है और ये इसमें यह भी करना चाहिए कि जो आपको फंड्स मिल रहे हैं वो जैसे हर एक की बैलेंस शीट बनती है चाहे कोई कंपनी का जैसे ऑडिट होता है या फिर बैंक का ऑडिट होता है उनकी बैलेंस शीट बनती है तो हर एक पोलिटिकल पार्टी को भी अपनी बैलेंस शीट बनानी चाहिए और उसमें वो मेंशन करें कि उनको किस किस सोर्स से उनको पैसे मिले हैं कितना कैश मीन्स कैश किनों ने दिए और उसके अलावा चेक किन को किन को दिए गए हैं नो डाउट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हैक्टिक प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि टू थाउजेंड रुपीज़ तो कोई भी दे सकता है अगर हम नॉर्मल लेवल पे बात करें ठीक है और जो चेक्स होंगे तो ऑब्वियस है जो बड़े चेक हैं उनको भी ये एक्सपोज करना चाहिए इनको अवेलेबल करना चाहिए हर एक पोलिटिकल पार्टी को अपनी साइड पर तो इससे क्या होगा एक तरह का ट्रांसपेरेंसी आएगा उनके कामों में ठीक है तो ये चीज़ है फ्रेंड्स कि इसमें हम ट्रांसपेरेंसी टू बी ब्रॉड बाय मेकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरी फंड और अमाउंट रिसीव्ड अवेलेबल ऑनलाइन इंक्लूडिंग द सोर्स हु मेड सच कंट्रीब्यूशन और इन केस ऑफ नॉन कम्पलाइंस अ बैन और पेनल्टी नीड टू बी एक्सरसाइज बिल्कुल फ्रेंड्स अगर वो इसके अंगेस्ट अगर वो कम्पलाइन uh, नहीं करते आपके ऑर्डर को या फिर जो भी ऑर्डर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो फिर सिंपल सी बात है उनके ऊपर बैन लगा दीजिए या और या फिर पेनल्टी उनको लगा दीजिए हाँ ठीक है हम बैन तो ऑब्वियस पोलिटिकल पार्टीज पे नहीं लगा सकते क्योंकि हु आर द लॉ मेकर्स इट इज़ ऑब्वियस द पोलिटिकल पार्टीज हु गवर्ड अस एंड द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाई अस ठीक है फ्रेंड्स तो इसीलिए हम बैन पे बैन तो नहीं लगा सकते बट हाँ उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है ठीक है तो जिससे उनको थोड़ा सा एक तरह का हैक्टिक प्रोसेस रहेगा उनके लिए कि उनकी भी उनके ऊपर भी अब गम, एक तरह का वॉच डॉग मीन्स एज ए पीपल ऑफ इंडिया उनके ऊपर भी वॉच डॉग बैठ चुके हैं तो उनको उनके करने में और उनकी कथनी और करनी में एक तरह की समानता आएगी ये चीज रहेगा उसके, अगर हम ट्रांसपेरेंसी लाते हैं और केस ऑफ पेड न्यूज फ्रेंड्स जो पेड न्यूज का अगर आपने काफी इशू सुना होगा तो इसमें फ्रेंड्स पेड न्यूज जो बेसिकली था ये एक इंसिडेंस हुआ था 2008 में ठीक है जी जब 2000 ये जो मध्य प्रदेश असेंबली की इलेक्शंस होने जा रहे थे तो रन अप इन, रन अप टू ड्यूरिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग एट तो इलेक्शन कमीशन ने 2017 में एक आपके दतिया के अ, एम एल थे तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया था 2017 में उसमें क्या हुआ था कि उनको तब पेड न्यूज़ का ये मालूम पड़ा था कि इस बंदे ने टू थाउजेंड नाइन नाइन का जो इलेक्शन होने वाला था असेंबली इलेक्शन तो उसके लिए इसने फोर्टी टू पेड न्यूज़ का सहारा लिया था ठीक है तो बेसिकली पेड न्यूज़ का जो कंसेप्ट है वो टू थाउजेंड एट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमर्ज हुआ था तो तब से ये पेड न्यूज़ का इशू डे बाई डे बढ़ा ही है कम नहीं हुआ तो फोर्टी टू उसने पेड न्यूज़ एडवर्टाइज में डाली थी चाहे आप मीडिया में लगा लीजिए चाहे आप न्यूज़पेपर में लगा लीजिए तो मिस ये दतिया कॉन्स्टिट्यूंसी के एम थे जो 2017 टू में उनको डिसक्वालीफाई किया गया था तो अगर ज़्यादा हो तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा तो पेड न्यूज़ फ्रेंड्स 2008 में शुरू हुआ था और पेड न्यूज़ की डेफिनेशन अगर बोली जाए तो वो ये चीज़ है कि एक तरह का मोटिवेटेड प्रोपागेंडा होता है फ्रेंड्स पॉलिटिशियंस की तरफ से ठीक है तो जैसे कि वो अपने फेवर में वोट्स को करने के लिए किसी भी तरह का प्रोपागेंडा चला लें या फिर अपने ओपिनियन को बदनाम करने के लिए प्रोपागेंडा चला दें तो ये चीज़ होती है मोटिवेटेड प्रोपागेंडा होता है पॉलिटिशियंस की तरफ से हम उनको पेड न्यूज़ बोलते हैं ये आपको न्यूज़पेपर में भी मिल सकती हैं आपको टी वी चैनल पर भी न्यूज न्यूज़ में भी दिख सकती हैं और आपको सोशल मीडिया या फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर भी दिख सकती हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू है फ्रेंड्स ये फॉरेन कंट्रीज़ में पेड न्यूज़ के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं ठीक है तो और एक चीज़ और है फ्रेंड्स 2014 थाउजेंड इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो 820 830 के अराउंड पेड न्यूज़ के केसेस इलेक्शन कमीशन ने फाइंड आउट किए थे तो ये चीज़ है फ्रेंड्स पेड न्यूज़ का जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन है सेटअप अ मॉनिटरिंग कमेटी विच शैल बी गिवन मोर पावर्स लाइक पावर टू कैंसिल द लाइसेंस ऑफ फ्रॉडलैंड मीडिया ग्रुप्स बिल्कुल बट इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है क्योंकि ये जो पावर हैं ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ठीक है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है कि आप किसी का या फिर ये लगाइए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास है कि आप किसी मीडिया हाउस का या फिर मीडिया ग्रुप का या फिर न्यूज़पेपर मीडिया वालों न्यूज़पेपर ग्रुप का आप लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते ये सारी पावर उनके पास है फ्रेंड्स तो गवर्नमेंट को एक फेयर एंड फ्री वॉच डॉग बनाना चाहिए ठीक है जो पेड न्यूज़ के ऊपर नज़र रख पाए क्योंकि इससे इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं फ्रेंड्स तो यही है एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो इलेक्शन कमीशन सेटअप करता है वो हर बार करता है ठीक है बट उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता क्यों क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो या जो पॉलिटिशियंस हैं वो पावर मेनली उनके पास है वही है जो इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन एक लिमिट तक एक्सरसाइज कर सकता है वो बैन कर देगा जब तक इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म नहीं होता कि ये मीडिया ग्रुप या फिर ये न्यूज़पेपर कोई भी किसी भी तरह का न्यूज़ प्रिंट नहीं करेगा या फिर न्यूज़ प्रोवाइड नहीं करेगा इससे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता तो ये चीज़ रहती है फ्रेंड्स ठीक है जी और उसके बाद है फ्रेंड्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी कैन बी टैकल वो बट हम अप टू अ लिमिट ही टैकल कर सकते हैं बाई टेकिंग विजिलेंस ऑन द सोर्स ऑफ डोनेशन विच हैव बीन मेड टू दोलिटिकल ग्रुप्स बिल्कुल फ्रेंड्स जैसे आपको बोला गया कि यानी कि अगर वो पेड ब्लैक मनी का जो इशू है ठीक है वो हम कैसे टैकल कर सकते हैं वो यही है कि जो मेनली सबसे ज़्यादा पोलिटिकल पार्टीज़ के पास मीन्स जो ह्यूज डोनेशन चली जाती हैं हम उनको बोल सकते हैं कि वो ब्लैक मनी एक तरह का ब्लैक मनी बोल सकते हैं बट नो डाउट अच्छी यानी कि कोई जेन्यून से भी आते हैं बट कुछ ब्लैक मनी के भी सोर्सेज होते हैं जो शैल कंपनीज़ हैं वो डोनेशन करती रहती हैं ठीक है चाहे किसी पोलिटिकल ग्रुप को कर दिया चाहे या फिर किसी पोलिटिकल पर्सन इंडिविजुअल को कर दिया गया तो ये चीज़ है और फ्रेंड्स जो ब्लैक मनी है ये 2015 में एक लॉ आया था अभी करंट बीजेपी गवर्नमेंट ने 2015 में मिस्टर अरुण जेटली ने एक लॉ बनाया था ब्लैक मनी है एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट टू ठीक है जी तो ऐसा कुछ एक्ट आया था ब्लैक मनी के ऊपर ठीक है मीन्स आप डिस्क्लोज uh, करो और आपको कुछ एक परसेंटेज दे के और आपकी वो ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट कर दी जाएगी ऐसा ऑब्वियस आपको टैक्स ज़्यादा जा, देना पड़ेगा पड़ेगा नॉर्मल से ठीक है बट कुछ ऐसा करके उनका ब्लैक मनी के रिगार्डिंग एक एक्ट एक बना चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब देखते हैं वो कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है इंडियन इकॉनमी के लिए और एज ए होल पैरेलल एकॉनॉमी भी बोला जाता है ब्लैक मनी को तो देखते हैं नियर फ्यूचर ये ऐसे लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेनिफिशियल रहते हैं या फिर नहीं रहते तो ये ही चीज़ है फ्रेंड्स ब्लैक मनी को हम अप टू अ पॉइंट ही लिमिट ही टैकल कर सकते हैं इसके ऊपर कोई भी कोई भी वॉच डॉग आप बना दीजिए फ्रेंड्स ब्लैक मनी टैकल नहीं हो सकती आप चाहे आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लगा लीजिए चाहे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी एजेंसी लगा लीजिए आईटी लगा लीजिए या फिर ईडी लगा लीजिए ये आप टू अ लिमिट ही फ्रेंड्स ये ब्लैक मनी को टैकल कर सकते हैं इससे ज़्यादा वो टैकल नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये ब्लैक मनी पैरल एकानमी है और एक पैरल एकॉनमी को आप ख़त्म नहीं कर सकते आप कंट्रोल कर सकते हो आप ख़त्म नहीं कर सकते तो ये है फ्रेंड्स सो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं सी और डी ऑप्शन ठीक है जी हम उनको कैसे टैकल कर सकते हैं तो ये पेड न्यूज़ वाले के बारे में मैंने आपको बताया 2008 में हुआ और 2017 में इसका रिज़ल्ट मिला आपको तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हम पेड न्यूज़ के रिगार्डिंग सोशल ऑडिट के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं और अब हम देखते हैं फ्रेंड्स जो हमारा ए और बी ऑप्शन था वो था नेक्सिस है ठीक है ना इसमें जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे है वो है रीजंस बिहाइंड सच नेक्सिस पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन का और उसके बाद पॉलिटिशियंस एंड मीडिया ग्रुप का ठीक है फ्रेंड्स और राइट हैंड साइड पे मैंने आपको वेज बताए हैं कि हम इनको कैसे टैकल कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स नेक्सेज है जो पॉलिटिशंस का ब्यूरोक्रेट्स का और ये वाला है हमारा बिजनेस का इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न फ्रेंड्स अगेन वही है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ठीक है जी और उसके बाद है डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज बाय द सिविल सर्वेंट्स पॉलिसी डिसीजन मेकिंग डन बाय द पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स बिल्कुल फ्रेंड्स अगर आप देखो कि यानी कि ये नेक्सिस का मेन कोर क्या है तो वो यही है कि क्योंकि एक तरह का पॉलिटिशियंस हैं इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसी मेकिंग में ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में और बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि कुछ एक स्टेक स्टेक होल्डर्स रहते ही रहते हैं ठीक है क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो लार्ज स्केल पे जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो एक एकमी को बूस्ट करने के लिए बनाई जाती हैं ठीक है और इकोनॉमी को आप तभी बूस्ट कर सकते हो अगर आपके पास बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं या फिर बिजनेस ग्रुप आपके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थी हों ठीक है आप यू में लगा लीजिए यूरोप में लगा लीजिए चाइना में लगा लीजिए वहाँ पर बिजनेस बिजनेस इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि टॉप वन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड के बिजनेसमैन के पास नाइन्टी परसेंट जो पॉपुलेशन है नाइन्टी परसेंट वेल्थ है उनके पास टॉप वन परसेंट बिजनेसमैन के पास अब आप ये लगा लो नाइन्टी परसेंट वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की तो अगर वो चाहें तो वो किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं ठीक है और किसी भी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करवा सकते हैं काफ़ी टाइम तक के लिए क्यों क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए बेसिकली उनको टैक्सेस चाहिए और टैक्सेस कौन पे कर सकता है बिजनेसमैन ही पे कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल ठीक है तो ये चीज़ रहती है इसलिए आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो सिविल सर्वेंट्स यूज़ करते हैं मीम्स को जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सिविल सर्वेंट्स ही हैं ग्राउंड लेवल पे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है वो भी सिविल सर्वेंट्स ही हैं और कुछ एक अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी ना किसी बिजनेस ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं चाहे आप फाइनेंस में लगा लो चाहे आप इकोनॉमिक्स में लगा लो या फिर आप कहीं भी लगा लो आपने देखा भी होगा कुछ एक सिविल सर्वेंट्स में इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि जस्ट आई एस आई पी एस ही हैं आर्मी पर्सनल भी हैं और देखा होगा आपने कुछ अगस्ता वेस्टलैंड वाला जैसे हेलीकॉप्टर वाला इशू हुआ था ठीक है वो इंटरनेशनल लेवल पे था तो सिविल सर्वेंट्स में ये सारे के सारे दूसरे पर्सन भी इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हमारे कुछ एक आर्म्ड फोर्सेस वाले भी ग्रुप यूज हो जाते हैं ठीक है जी तो ये चीज़ है पॉलिसी डिसीजन मेकिंग डन बाय द पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स तो ये आपका रीज़न है बिहाइंड सच नेक्सिस और हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं अगेन फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी नीड टू बी मेंटेन्ड ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेंड होगी कि जो आपने डिसीजन लिए हैं पॉलिसीज बनाई हैं ठीक है वो एक फेयर और फ्री वे में आपने बनाई गई हैं या फिर नहीं बनाई हैं और उसके बाद आर एक्ट है जो टू था ठीक है इसमें फ्रेंड्स वही है हैज़ टू बी मेड एप्लीकेबल ऑन पोलिटिकल पार्टीज बिल्कुल अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आर एक्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ और ए, क्या कारण है इसके पीछे ऑब्वियस है पॉलिटिशियंस खुद ही हैं क्योंकि आप ज़्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकोगे ठीक है इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनको लेटर्स निकालता रहेगा ठीक है या फाइन लगा देगा इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ठीक है वो जस्ट स्टैचुरी बॉडी है इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो फिर इसीलिए पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल पार्टीज ना वो इनको इनकी ज़्यादा ज़्यादा जो लेटर्स देंगे उनका जवाब नहीं देंगे ठीक है तो इसीलिए आर टी एक्ट अगर इम्प्लीमेंट करना अगर आपने कॉमन मैन पर इम्प्लीमेंट किया है आपने स्टेट गवर्नमेंट्स पर यानी कि आपने गवर्नमेंट ऑफिशल्स पर इंप्लीमेंट किया तो आपने पोलिटिकल पार्टीज पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया आपको आप उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए तभी आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद है फ्रेंड्स ई गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट पोर्टल टू बी यूज एट एट कॉन्ट्रैक्ट लेवल कॉन्ट्रैक्ट लेवल मीन फ्रेंड्स जैसे कि पॉलिटिशंस uh, ने या ब्यूरोट्स ने पॉलिसीज बनाई और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एक ई गवर्नमेंट पोर्टल होना चाहिए वहाँ पर आप वो बताएंगे कि हमने ये पॉलिसीज बनाई हैं और इसके लिए ये ये इम्प्लीमेंटेशन ये ये टर्म्स एंड कंडीशंस ये ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ठीक है और इसके अलावा अगर कोई टेंडर ऑनलाइन डाला जा रहा है वैसे तो आजकल काफ़ी टेंडर्स ऑनलाइन ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टेंडर्स ठीक है तो उनके लिए किन किनों ने बोली लगाई है या फिर कौन कौन से बंदे उसके लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भी आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी उसके बाद ये है फ्रेंड्स इंटीग्रिटी पैक्ट होना चाहिए बिटवीन पी एंड गवर्नमेंट टू टैकल डोनेशन इशूज़ इसमें फ्रेंड्स ये है कि अगर आप बेसिकली लगाओ ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन का हम नेक्सेस अगर हमने तोड़ना तो ये बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है बिजनेसमैन और ये इनका नेक्सेस बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड है मनी पे बेस्ड है बिल्कुल बिजनेसमैन के पास पैसा है और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करता है अगर यही चीज़ हम इसको अगर हम ख़त्म करना चाहें और पॉलिसी डिसीजन में डिसीजन मेकिंग में मेकिंग में अगर हम अपने बिजनेसमैन का इंटरफ्रेंस कम करना चाहें तो फिर हमारे पी यूज हैं हम उनको यूज कर सकते हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स आप एल लगा लीजिए ओ लगा लीजिए या फिर जो भी हमारे हाई लेवल पर पी एस यूज हैं फ्रेंड्स उनके पास भी वेल्थ उतनी ही है ठीक है ना आप उनके गवर्नमेंट और पी एस यूज के बीच बीच एक तरह का पैक्ट बनवा दीजिए कि जैसे जब इलेक्शन आएंगे चाहे स्टेट लेवल पर है चाहे सेंट्रल लेवल पर है तो पी कुछ एक परसेंटेज का कुछ, कुछ एक परसेंटेज की अमाउंट पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करेंगी ठीक है इससे क्या होगा बिजनेसमैन का नेक्सस है ये टूट जाएगा बिजनेसमैन तब उतने इन्फ्लुएंसेस उतना इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पे नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मनी पावर अब मनी पॉलिटिशन को क्या चाहिए या पोलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए इलेक्शन में उनको पैसा चाहिए ना उन्होंने वही तो उनके साथ डिस्कस करना है वही तो उन्होंने उसको यूज़ करके इलेक्शन लड़ना है तो आप पी एस यूज को बोलो कि अगर उनके पास जो एक्स्ट्रा फंड है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें इससे ऑब्वियस है इससे आपका खर्चा भी कंट्रोल में रहेगा जो आप पॉलिटिकल पार्टीज ये जो खर्चा करती हैं इलेक्शंस uh, में वो भी कंट्रोल में आ जाएगा ये चीज़ रहेगी और उसके बाद फ्रेंड्स रोल ऑफ सी बी सी चीफ विजिलेंस कमिश्नर और कैग इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल अहम रोल हो जाता है फ्रेंड्स अगर हमने किसी नेक्सिस को तोड़ना है या फिर किसी अन डेमोक्रेटिक फंडिंग को रोकना है सीबीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है कैग काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है इनको हम पॉलिटी uh, वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे और बस जस्ट ये बताऊंगा कैग की वजह से अगर आप देखो तो कैग की एक रिपोर्ट की वजह से 2014 में मनमोहन गवर्नमेंट क्रैश हो गई थी तो इतनी पावरफुल ये एजेंसीज हैं तो चलिए हम आगे वाला पॉइंट भी डिस्कस करते हैं उसमें क्या था फ्रेंड्स वही था कि जो मीडिया ग्रुप और पॉलिटिशियंस में जो नेक्स्ट है हम उसका रीज़न क्या है उसका रीज़न वही है फ्रेंड्स अगेन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इशू मीडिया हाउस इज कंट्रोल्ड बाई बिजनस मैन एंड पॉलिटिशियंस बिल्कुल अगर आप अभी देखोगे कुछ एक मीडिया चैनल्स uh, हैं इंडिया में बाहर का फॉरेन का मुझे नहीं मालूम वो बिजनेस मैन ने ओन किया हुआ है, खरीदा हुआ है और ये काफी ज्यादा फ्रीडम ऑफ प्रेस के अगेंस्ट जाता है ठीक है जी क्योंकि इससे आपको क्या, इससे दिक्कत क्या होगी कि वो वो एक पर्टिकुलर बिजनेस मैन का ही वो चैनल है तो वो अपनी ही पॉलिसी जो गवर्नमेंट या जो, जो उसको पॉलिसी अच्छी लगेंगी गवर्नमेंट की वो उनको फेवर करेगा उनको ज्यादा दिखाएगा तो ये वाला नेक्सेज रहेगा फ्रेंड्स जो मीडिया हाउसेस की वजह से जो कंट्रोल हो जाती हैं बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस के अंडर uh, कंट्रोल आ जाती हैं तो उससे फ्रीडम ऑफ प्रेस टोटली ख़त्म हो जाती है और एक तरह का नेक्सेस क्रिएट हो जाता है अगर आप ध्यान से न्यूज़ न्यूज़ चैनल्स को देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ पॉलिटिशंस और मीडिया और बिजनेसमैन और मीडिया और इन तीनों का नेक्सेस आप ध्यान से न्यूज़ अगर तीन चार न्यूज़ चैनल से अगर आप फॉलो करो उनकी डिबेट देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा मेरे बोलने का क्या रीज़न है और उसके बाद फ्रेंड्स वही है मनी पावर है वो कोर्सिव मीनस के लिए यूज़ हो जाती है पॉलिटिशन यूज़ करते हैं बिजनेस मैन यूज़ करते हैं मीडिया हाउसेज यूज़ करते हैं तो और हम इनको कैसे टैकल कर सकते हैं फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट यस ये फ्रेंड्स दो एक्ट हैं 1950 एंड 1951 तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 फिफ्टी यहाँ पर यूज़ होगा क्योंकि वही है जो यूज़ करता है फ्रेंड्स एम पीज एमएल जो लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं जो 1951 फिफ्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर आती हैं ठीक है तो हम वहाँ यहाँ पे 1951 वाला एक्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं नीड टू बी अमेंडेड सो एज टू मेक पोलिटिकल पार्टीज मोर अकाउंटेबल बिल्कुल और उसके बाद फ्रेंड्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये वाला नाइनटीन सिक्सटी में एज ए स्टेचुरी बॉडी बनाई गई थी बट ये 1978 में इसको एक्ट दिया गया मीन्स पी सी आई एक्ट ऑफ 1978 है जो अभी आ, हर एक तरह की मीडिया ग्रुप हुआ या फिर न्यूज़ हुआ उसके साथ डिस डील करता है और यही है पी सी एक्ट 1978 जो रेगुलेट करता है मीडिया को ठीक है तो इसको एम्पावर करना चाहिए क्योंकि ये जस्ट एज ए वॉच डॉग एक्ट करता है फ्रेंड्स इसके पास उतने टीस नहीं है कि ये Uh, किसी भी मीडिया ग्रुप या फिर प्रेस uh, ग्रुप को काउंटर कर पाए उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी लगाता है इससे ज़्यादा इसके पास कोई पावर नहीं है सो पी सी एक्ट नाइनटीन को अमेंड करके इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए और uh, ये है फ्रेंड्स मीडिया हाउसेज नीड टू बी पुट अंडर कंपनी एक्ट सो एज़ टू हैव सम समर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग टेक ओवर सच इंस्टीट्यूशन बाई बिजनेस हाउसेज यस फ्रेंड्स जैसे मैंने डिस्कस किया कि कुछ एक मीडिया हाउसेज़ हैं उन्होंने जिनको कंट्रोल करते हैं बिजनेसमैन अब ठीक है और फ्रेंड्स लास्ट में यही है कि सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए इनकी सोशल ऑडिटिंग होगी जैसे मैंने पहले डिस्कस किया तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी तो यही है फ्रेंड्स रीजंस बिहाइंड सच नेक्सिस और वेज टू हम कैसे टैकल कर सकते हैं आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी चला गया तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही बोलूँगा अगर आपको इनके अलावा कोई पॉइंट्स लगे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे ठीक है फ्रेंड्स और थैंक्स फॉर वॉचिंग नेधिश्री अकेडमी अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए और वीडियोज़ बनाने का एक तरह का बूस्ट मिलेगा ठीक है फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग नेधिश्री अकेडमी टेक केयर हैव अ गुड डे